बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला सबकी जुबान पर। लोकसभा चुनाव के रुझानों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 36 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, जबकि 33 लोकसभा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। वहीं 7 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने अपनी बढ़त बना रखी है। इसके अलावा 2 सीटें एनडीए गठबंधन में शामिल आरएलडी की बढ़त है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 43 सीटों पर आगे है। इंडिया गठबंधन को मिल रही बढ़त के बाद सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। इस बीच अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया गया। कन्नौज में लगे एक पोस्टर में अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री की अग्रिम बधाई दी जा रही है। इस पोस्टर के जारी होने के बाद एक बार फिर से कयासबाजी तेज हो गई। लोकसभा सीटों के हिसाब से उत्तर प्रदेश देश की सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य है। यही वजह है कि कहा जाता है कि संसद का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन में शामिल बीजेपी को 62 और अपना दल को 2 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी, जबकि सपा को 5 और बीएसपी को 10 सीटें मिली थी। उत्तर प्रदेश की चर्चित सीटों पर सभी की नजरें हैं, जिसमें वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, रायबरेली से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, मथुरा से एक्ट्रेस हेमा मालिनी, कन्नौज से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, गोंडा से करण भूषण सिंह, गोरखपुर से भोजपुरी एक्टर रवि किशन और गाजीपुर से अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। इन सभी पर पूरे देश की निगाहें टिकी है।